गुजिया बनाने के लिए 2 कटोरी लेंगे मैदा का, और उस 2 कटोरी मैदे को डालेंगे परात के अंदर, और 2 टीस्पून लेंगे घी का, उससे करेंगे मेवन, और एक सॉफ्ट डो बना लेंगे, और उस डो को रेस्ट पर रखेंगे 15 मिनट्स के लिए कवर करके। और स्टफिंग बनाने के लिए 2 टीस्पून लेंगे घी का, 1 कटोरी लेंगे चॉप्ड आलमंड्स, उसको करेंगे रोस्ट, उसी के साथ 1 कटोरी लेंगे चॉप्ड कैश्यूज, उसको भी करेंगे रोस्ट, 100 ग्राम लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, उसको भी करेंगे रोस्ट उसी कढ़ाई के अंदर। अब एक बाउल लेंगे किशमिश का और उसको भी करेंगे रोस्ट, गैस की फ्लेम रखेंगे मीडियम टू लो। अब 2 टीस्पून घी का लेके उसको गरम करके उसके अंदर 1/4 कटोरी डालेंगे सूजी की, उसको करेंगे रोस्ट, उसी के साथ 300 ग्राम लेंगे हम मावा, मैंने अमूल का मावा लिया था, आप कोई भी मावा ले सकते हैं, उसको भी उसकी कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और उसको भी करेंगे रोस्ट। मिक्स करके उसको अब इसको मिक्स कर देंगे स्टफिंग के अंदर, रोस्टेड मावा और सूजी को, स्टफिंग है रेडी। अब 2 बाउल चीनी को लेंगे, उसके अंदर डालेंगे कार्डेमम, उसको भी ग्राइंड कर देंगे, उसको स्टफिंग के अंदर कर देंगे मिक्स। अब स्टफिंग पूरी तरह से हो चुकी है रेडी, इस सबको करेंगे मिक्स। अब एक आटे की लोई लेंगे, मैदे की आटे की लोई, और उसको करेंगे, उसको बेल लेंगे, उसे कोई भी शेप दे सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं है कि हम इसको गोल शेप ही देंगे, क्योंकि हम इसको अभी रखेंगे गुजिया मेकर के अंदर, और इसको गुजिया मेकर के अंदर रख के फिर इसके अंदर स्टफिंग फिल करेंगे चम्मच की हेल्प से। एक साइड पे हमने स्टफिंग रख दिया और उसकी एक एंड पे लगाएंगे पानी। अब इसको कर देंगे क्लोज। अब जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको निकाल देंगे और प्रेस करके गुजिया मेकर में से ये गुजिया निकल गई है और ये रेडी हो चुकी है डीप फ्राई के लिए। तो कितनी अच्छी बनी है ये गुजिया। अब इन सब गुजिया को करेंगे डीप फ्राई और ये गुजिया है रेडी। तो आप सभी को हैप्पी होली और एंजॉय करते हैं गुजिया। तो ये गुजिया बनी है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी। अब आनंद लेते हैं इन गुजिया का और आप भी अपने आनंद लो इस गुजिया का। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ईशा लाइफस्टाइल चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, मेनी मोर टू कम।